गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। मान्यवर, लोग बातें करते हैं लेकिन जिंदगी को जी नहीं पाते हैं। एक बात याद रखना, चर्चा चहकती है, चरित्र महकता है। ध्यान रखना, चहक थोड़ी देर की होती है, महक जब जब लुट हवाएं आती हैं तन मन को आनंद से परिपूरित कर दिया करती है। ध्यान रखिए, आदमी की जिंदगी का सार उसका चरित्र हुआ करता है। कुछ बचाओ या ना बचाओ, आदमी को अपना चरित्र बचा करके रखना चाहिए। कुछ कमाओ या ना कमाओ, आदमी को अपना चरित्र कमा करके रखना चाहिए। आदमी को चरित्र के लिए इस धरती पर भेजा जाता है। हे इंसान, ऐसा चरित्र बना कि तुझे देखकर हजारों का चरित्र भी पवित्र हो जाए। ऐसा चरित्र अपना बनाइए, ऐसा चरित्र मत बनाओ कि समाज परिवार और घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ध्यान रखिए, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। और चरित्र की ताकत सारी दुनिया आज भी जाना करती है। एक बात याद रखना, गलत काम शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, उनका परिणाम बहुत खराब हुआ करता है। और अच्छे काम शुरू में बहुत कठिन लगते हैं लेकिन उनका परिणाम बड़ा सुखदाई हुआ करता है, उनका परिणाम बड़े आनंद से। आपने पिक्चर देखी है, सिनेमा देखा है, फिल्म देखी, ऐसे सीधे बन रहे हो, देखो सिर भी नहीं हिल रहा है। कैसे कह दे देखी है लेकिन दिल है कि पहले ही बोल देते देखी है। पहले पिक्चर बनती थी, पहले फिल्में बनती थी, 3 घंटे की पिक्चर होती थी। कितने घंटे की? हमारे समय, अब तुम्हारे समय हमको नहीं मालूम कितने घंटे की होती है। 3 घंटे की पिक्चर होती थी। उस फिल्म में 2 लोग हुआ करते थे, एक नायक और एक खलनायक, हीरो और विलन। समझ में आ रहा? आज भी होते हैं कि नहीं? होते क्या है, शुरू से पिक्चरों में होता क्या है इसके अलावा? और क्या होता है? पति पत्नी मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिछड़ जाते हैं, वो तड़पता है, वो तड़पता है। हर फिल्म की स्टोरी एक सी हुआ करती, और क्या अंतर हुआ करता है? थोड़े गाने अलग हो जाते हैं, बाकी चरित्र तो उनका वही हुआ करता है जो होना है। वो उससे मिले, वो उससे मिले, वो बिछड़ गए, वो रोए, वो तड़पे, उनने सताया, उनने परेशान किया, और जब दोनों का हाथ मिलन हुआ, दी एंड लिखा आ जाता है। ध्यान रखिए, जब मिलते हैं तो दी एंड हो जाता है, रोते हैं तो पिक्चर बनती रहती है। बाहरी जिंदगी विचार करिए, जब अच्छे दिन आए हैं तो दी एंड हो गया, और जब बुरे दिन थे तो पिक्चर। बात मुझे फिल्मों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो कहता हूं इतना ही। मैं तो आपसे जो मूल बात कहने जा रहा हूं, बात इतनी है कि पिक्चर में देखना 2.5 घंटे विलन की चलती है। विलन के पास सारी सुविधाएं होती हैं, रिमोट से सारी बम ब्लास्ट कर देता है, सारी सुविधाएं 2.5 घंटे खलनायक के पास होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, 2.5 घंटे पूरी पिक्चर में खलनायक चलता है, 1/2 घंटे में स्थिति बदल जाती है, नायक हीरो हो जाता है और खलनायक धराशाही हो जाया करता है। 1/2 घंटे में जील पूरी कहानी बदल जाया करती है। 1/2 घंटे में ध्यान रखना, जिंदगी भर कंस की चली लेकिन पल भर में कृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाया करते हैं। जिंदगी भर रावण रावण की चली, एक पल में पूरे रावण खलनायक हो जाता है और राम हीरो बन करके खड़े हो जाया करते हैं। जो अच्छे मार्ग पर चलता है उनका मार्ग और उनका अंत अच्छा हुआ करता है, और जो गलत मार्ग पर चलते हैं उनकी मृत्यु मातम। वो अच्छे मार्ग पे चलो, जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। ध्यान रख। मान्यवर, एक संत थे, प्रवचन कर रहे थे मृत्यु पर। जैसे मेरे सामने जिनवाणी रखी है, आगम रखा है, उस संत ने कहा कि मैं कोई धर्म ग्रंथ नहीं रखूंगा अपनी व्यासपीठ पर। वो एक मानव की खोपड़ी रखा करते थे, खोपड़ी रख के प्रवचन करते थे। संत से पूछा, भाई ये तो अशुभ है, ये तो खराब है, ये तो धर्म के विरुद्ध है कि आप हड्डी को रख करके बैठे हुए हैं। नहीं जाने आदमी कैसा है, वो शमशान को अशुभ माना करता है, जबकि हकीकत देखा जाए एक शमशान पे लिखा था, मंजिल तो यही थी, आते आते बहुत देर हो गई। ध्यान रखना,
आना तो यही था आदमी को। लोग उसे मरघट कहते हैं जहां चिताएं जलाई जाती हैं, और उसे बस्ती कहते हैं जहां आदमी मरता है। मैं पुलक सागर ऐसा नहीं कहता हूं। असली बस्ती ये नहीं है जहां तुम्हारे प्राण निकलते हैं, असली बस्ती वो है जहां तुम्हारी चिता जलाई जाती है। एक बात ध्यान रखना, मरघट किसे कहते हैं? जहां चिता जलती वो मरघट नहीं होता, जहां प्राण जाए घट वो होता है मरघट, और जहां जाके आदमी फिर दोबारा ना आए, हमेशा को बस जाए, उसे कहा जाता है बस्ती। आज तक कभी देखा कोई मरघट में जाके मरा है क्या? जो भी मरे हैं इन्हीं मकानों में मरे हैं, तो तुम्हारे मकान किसी मरघट से कम नहीं है। और शमशान से जाने के बाद कोई आदमी वापस लौट करके नहीं आता है। इसलिए कहते हैं जहां आदमी बस जाता है उसे बस्ती कहा जाता है, और जहां प्राण घट जाते हैं उसे मरघट। इन्हें बोलो जिसमें तुम रह रहे हो, एक आदमी ने नया मकान बनाया, उसने कहा महाराज मेरे मकान का नाम रख दो। अरे मैंने कहा आदमी का नाम रखूं, बच्चों का नाम रखो, शिष्यों का नाम रखूं, आजकल तो कुत्ते का भी नाम रख लेते कि नाम रख दो, इसका क्या है? कुत्ते का नाम रखो, गाय का नाम रखो, अब तो मकानों के भी नाम रखे जाते हैं। मैंने कहा मेरा नाम तू नहीं रख पाएगा? बोले रख लूंगा। मैंने कहा जो कहेगा रख लेगा? बोले रख लूंगा। मैंने कहा पक्का बोल? बोले पक्का। मैंने कहा लिख दे मरघट? बोले मरघट, ये नाम कैसे, तो अशुभ है। मैंने कहा तेरे प्राण इसी में घटेंगे, इसलिए मैंने कहा तेरे मकान का नाम मरघट। किसे मरघट समझते हो, किसे बस्ती समझते हो? वह संत भी मानव की खोपड़ी लेकर के प्रवचन करता था। एक दिन आयोजकों ने पूछा कि संत जी ये नहीं चलेगा, ये खोपड़ी लेकर प्रवचन क्यों करते हो? उसने कहा जब जब इस खोपड़ी को देखता हूं ना, तो मुझे जिंदगी याद आने लगती है। ये खोपड़ी किसी साधारण खोपड़ी नहीं, यहां की सम्राट की खोपड़ी है। सम्राट मरा था, उसकी खोपड़ी में शमशान से उठा के लाया हूं, उसकी खोपड़ी है। और जब जब इस खोपड़ी को देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि सम्राट के ये हाल हैं, तो एक दिन मेरे भी यही हाल होने वाले हैं, एक दिन मेरा भी जीवन यही होगा। घर से चला मुसाफिर, घर से चला मुसाफिर, दिल में ये अरमान थे। एक तरफ बस्ती थी, एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा हड्डी के ये बयान थे। संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। संभल कर चल मुसाफिर, हम भी कभी इंसान थे। खोपड़ी रखा करता मान्यवर। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, दुनिया में कुछ भी कर लेना, कितने भी मजबूत मकान बना लो, कितना भी सुरक्षित मकान बना लो, मौत नहीं छोड़ेगी। मौत छोड़ने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कोई बैठा हुआ इस पंडाल में एक व्यक्ति ऐसा बता दे, पूरे विश्व में ऐसा स्थान है जहां जाकर तुम छुप जाओ और मौत तुम्हें छोड़ दे, है कोई स्थान ऐसा? है, छुप जाओ, ऐसा कोई खंडर है, ऐसा कोई बियावान जंगल है, ऐसी कोई गुफा है जहां जाकर के तुम छुप जाओ और मौत का प्रवेश ना हो? एक काम करना, आज एयर टाइट डब्बे में बंद होकर के देखना मौत आएगी या नहीं आएगी। जहां हवा भी नहीं पहुंच सकती, वहां भी मौत पहुंच जाया करती है। मौत किसी को नहीं छेड़ा करती है। एक सम्राट का दरबार था, उस सम्राट के दरबार में दो कबूतर झरोखे में बैठे गुटरगू कर रहे थे, बड़ी मस्ती में झूम रहे थे। यमराज का उस दरबार में प्रवेश हुआ, जैसे ही यमराज आए, जैसे ही यमदूत आए, उनकी निगाह कबूतर पर पड़ी। एक कबूतर पर निगाह पड़ी, दूसरे कबूतर यमराज ने देखा, मुस्कुराए और अंदर चले गए राजा के पास। राजा को लेने के लिए यमराज आए थे, जैसे ही गए, दूसरे कबूतर ने देखा कि यार यो यमराज तुझे देख के मुस्कुराया क्यों? बोले यार मेरे भी पसीने छूट रहे हैं, मुस्कुराया क्यों? अरे बोले इसका मतलब ये है कि यमराज ने तुझे देख लिया, आज तेरे जाने का नंबर आ गया है, अब लौट के यमराज बाहर आएगा और तुझे लेकर के जाएगा। अब तो और पसीने छूट गए और सांसें बढ़ने लगी उसकी कि आज मेरे मरने का समय आ गया, आज मेरे अंतिम समय आ गया है। उसने कहा भाई जरा कुछ युक्ति बता, मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। तो दूसरा कबूतर ने उसे सलाह दे दी। अब सलाह दे दी तो दे दी, कोई वकील ही होगा वो कबूतर जो सलाह दे रहा है, ध्यान रखना, और तो कोई सलाह दे नहीं सकता है। वकील ने कहा एक काम कर। बोले क्या हुआ वकील साहब? नहीं, आजकल कबूतर भी वकील होते हैं, ध्यान रखिए, कोई वकील होगा। उसने कह दिया एक काम कर। बोले क्या? बोले जब तक यमराज बाहर लौट कर आए,
तो श्री रामपुर से इतना दूर उड़ जा, इतना दूर उड़ जा, इतना दूर उड़ जा, इतना दूर उड़ जा, इतना दूर उड़ जा कि 2-3 साल तो उसे तुझे ढूंढने में लग जाए कि कबूतर कहाँ गया है। बोले हाँ कबूतर, अब वकील की सलाह तो ऐसे ही होगी, और कैसी सलाह होगी। उसने कहा उड़ जा, जा जितना उड़ना है। कबूतर उड़ गया, कहते इतना उड़ा कि श्री रामपुर से उड़ा और दिल्ली पहुंच गया। उड़ उड़ के पसीना पसीना हो गया, सांस फूल गए। जैसे ही यमराज लौटे उन्होंने देखा अच्छा गायब हो गया, फिर मुस्कुराए। उस कबूतर ने पूछा जो पहले बैठा था, उसने कहा यमराज एक बात बताओ। बोले हाँ पूछ कबूतर, क्या बात है। बोले जब महल के अंदर गए तब आप मुस्कुराए थे, और महल से वापिस लौटे तब आप मुस्कुराए, मामला क्या है, समझ नहीं आई बात। अरे यमराज ने कहा तुझे समझ नहीं आया। बोले नहीं, बोले अंदर जाते समय में इसलिए मुस्कुराया, ए नादान कबूतर किस रंगरलियों में घूम रहा है, अभी थोड़ी देर बाद तो तुझे मेरे साथ विदा हो जाना है। किस गलत प्रेमी में जी रहा है, कैसे आनंद मना रहा है, थोड़ी देर बाद दुनिया से विदा हो जाना है। बोले अच्छा यमराज जी लौटते समय क्यों हंसे। अरे बोले मैं इसलिए हंसा, मैं पहली बार इसलिए हंसा कि इसे मरना है, ये यहां कहां बैठा हुआ है। दूसरी बार इसलिए हंसी आई मुझे कि आज इसे दिल्ली में मरना था, खुद ही उड़ के चला गया, मेरे काम आसान हो गए, मेरे रास्ते आसान हो गए, अब मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, वो खुद उड़ करके चला गया। जब मौत आती है तो तुम कहते हो ना ले चलो अपोलो, ले चलो अस्पताल, ये तुम नहीं कहते हो, ये मौत कहती है बेटा जहां पड़ा है यहां थोड़ी मरना है, तुझे तो फलाने अस्पताल के फलाने वार्ड के इस नंबर के पलंग से विदा। आदमी खुद मौत के पास पहुंच जाया करता है, मौत को कौन धोखा दे सकता है, मौत से कौन बेईमानी कर सकता है। जहां मौत बुला रही है आदमी खुद चलकर मौत के पास। अब बताओ श्री रामपुर वालों कहां छुपोगे, बताओ कहां छुपोगे, मौत से बच सकते हो क्या, कोई नहीं बचा सकता। ध्यान रखना, विचार करना है। जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी है फकत 4 दिन की, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर समाधि बनेगी, या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, सांझ के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले तू है मौका सुनहरा। पांव फूलों पे रखने से पहले, पांव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। कब तक इस किराए के घर में रहोगे, सांसों का किराया देते हो, मौत खाली करा लेगी ये घर। ध्यान रखना, मान्य सोचना है। एक बात याद रखना श्री रामपुर वालों, आकाश की सूरज का उगना भी निश्चित है और आकाश की सूरज का डूबना भी निश्चित है, लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी उग नहीं पाता और गर्भ में ही डूब जाया करता है। जिंदगी का सूरज वो सूरज है
आकाश का सूरज सुबह भी देखता है, दोपहर भी देखता है और शाम भी देखता है, लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी जवानी की दोपहर भी नहीं देख पाता और बचपन की सुबह में डूब जाता है। कभी कभी बुढ़ापा नहीं देख पाता और जिंदगी का सूरज खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, एक समय कृष्णचंद्र भागे गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को दस शीश मिले बर में, और एक समय दसों शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे, यहाँ सूरज की तीन गति होते एक दिन में, यहाँ सूरज की तीन गति होते एक सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है, शाम का सूरज कुछ होता है, लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। संभल जाओ जिंदगी में, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।